हेलो, वेलकम टू डॉक नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर ने आपको हर्ट क्यों किया। हम सिर्फ इस क्वेश्चन पे फोकस करेंगे आज कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट ने आपको क्यों हर्ट किया पास्ट में, ठीक है? उसकी वजह क्या थी। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, ठीक है? लेट्स सी, हम चेक करते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट ने आपको पास्ट में हर्ट क्यों किया। प्लीज माइंड से स्पीड गाइड फिर गाइड कीजिए मेरे व्यूवर के पर्सन को, उनके पार्टनर ने क्यों हर्ट किया था पास्ट में, क्या वजह थी जिसकी वजह से मेरे व्यूवर को उनके पर्सन ने हर्ट किया। ऐसी क्या वजह रही है कि आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया पास्ट में। वेट, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट ने आपको क्यों हर्ट किया पास में। प्लीज एंड जिसने स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा, मुझे इससे साइकिक टैरो से देखना चाहिए कि आपके पर्सन ने आपको क्यों हर्ट किया। प्लीज माइंड जिसने स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर के पर्सन ने मेरे व्यूवर को पास में क्यों हर्ट किया। इसकी क्या वजह रही है कि जिसकी वजह से मेरे व्यूवर इतने हर्ट हुए अपने पर्सन से। क्या रियल रीजन था आपको हर्ट करने का, आपके पर्सन ने आपको किस वजह से हर्ट किया। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन। आपके पर्सन के पास यहाँ पर डिसीजन लेने के लिए चॉइसेस थी, ठीक है? आपके पर्सन को यहाँ पर अपनी लाइफ में वो चाहते तो आपको चूज कर सकते थे, ठीक है? मतलब कि हार्ट चक्रा, मुझे यहाँ लग रहा है आपके पर्सन का यहाँ पर हार्ट चक्रा ब्लॉक था। जिस वक्त आप अपने पर्सन की लाइफ में, आपके पार्टनर के पास चॉइसेस थी, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक तरफ वो चाहते अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते थे, या वो एक तरफ चाहते तो वो किसी ऐसे पर्सन को चूज कर सकते थे। उनके पास ये चॉइस थी कि जो इनका कैरियर बना दे, जो इनकी लाइफ बना दे, जो इनको सपोर्ट करे। देखिए, आजकल इस दौर में मनी की हर किसी को नीड है। मटेरियलिस्टिक इंसान बन जाता है, ठीक है? क्योंकि हर कोई पर्सन अपनी लाइफ की लग्जरी देखता है, हर पर्सन अच्छी जिंदगी देखना चाहता है, इन फ्यूचर अपने बच्चों की भी अच्छी जिंदगी देना चाहता है। तो आपके पर्सन का यहाँ पर जो ध्यान था ना, आप एक इमोशनल पर्सन थे, मुझे ऐसा लग रहा था यहाँ पर एक इमोशंस आपका, जैसे लव ब्रिंग, यहाँ पर मुझे एस ऑफ कप की एनर्जी है, जैसे आप अनकंडीशनल लव इस पर्सन को प्रोवाइड करते रहे आप, ठीक है? इस पर्सन के पास चॉइसेस थी, ये चाहता तो आपको चूज कर सकता था, लेकिन इसने आपके ऊपर किसी और चीज को चूज किया, ठीक है? इस पर्सन ने आपको चूज ना करके आपके हर्ट, आपको आपके जैसे हार्ट चक्र आपका जो है ना उस वक्त ओपन अप था। आप यहाँ पर लव रिसीव करने के लिए और लव देने के लिए दोनों के लिए रेडी थे, ठीक है? आपका हार्ट चक्र मुझे इस टाइम कुछ डिस्टर्ब लग रहा है। अदरवाइज पहले मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पर ग्रीनरी की एनर्जी, आप यहाँ पर बिल्कुल जैसे ग्रीन ग्रीन, आप यहाँ पर प्यार देना चाहते थे, प्यार लेना चाहते थे, वो ओपन अप था आपका हार्ट चक्र। आप यहाँ पर स्टेबिलिटी, कुछ सॉलिड कमिटमेंट तक आप सोच रहे थे, क्योंकि आप इतने इमोशनल थे अपने पर्सन के लिए, इतने इमोशंस फील करते थे इस पर्सन के लिए। यहाँ पर आप इस अपने अपनी अपनी हिस्से की हर खुशी आप इस पर्सन को देना चाहते थे, लेकिन इस पर्सन के पास चॉइसेस आई। इस पर्सन ने आपको चूज ना करके कुछ मटेरियलिस्टिक चीज को अपनी जिंदगी में चूज किया सबसे पहले आपके ऊपर। अब वो पर्सन भी हो सकता है, या अपनी अपनी लाइफ हो सकती है मटेरियलिस्टिक, या अपनी जॉब हो सकती है जिसकी वजह से आपको बैलेंस नहीं कर पाया। लेट्स सी, हम और इसको देखेंगे कि आपके पर्सन ने आपको पास में क्यों हर्ट किया, मेरे व्यूअर को उनके पर्सन ने क्यों हर्ट किया। ऐसी क्या वजह रही, क्या रियल रीजन था जिसकी वजह से मेरे व्यूअर हर्ट हुआ। मेरे व्यूअर को उनके पार्टनर ने किस क्यों हर्ट किया, इनके इनके पार्टनर ने। प्लीज माइंड एंड जस्ट स्पीड गाइड मेरे व्यूअर को क्यों हर्ट किया इनके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट ने। प्लीज माइंड जस्ट स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। आपके पर्सन बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक रहे, मैं इतना बता दूं, बहुत ज्यादा लॉजिकल रहे, मटेरियलिस्टिक रहे। आपके पर्सन के लिए इमोशंस लीस्ट प्रायोरिटी थे, वो आपके लिए एक फर्स्ट प्रायोरिटी बनते थे, इमोशंस, अपना रिश्ता, अपने रिश्ते, ठीक है? लेकिन आपके पर्सन के लिए नहीं था। ट्रुथ, आपको सच अभी तक नहीं पता, आप आज तक सिर्फ होप करते रहे कि आपको सच पता चलेगा इस रिलेशनशिप में। एक
रिकंसाइलेशन आएगा आपको यहाँ पर, जैसे आपको बहुत टाइम तक आप डायलमा में रहे कि इस पर्सन ने जानबूझकर आपको चूज नहीं किया, आपको ऐसा लगा इसने मजबूरी में इसने आपको चूज नहीं किया, पास में आप यही समझते रहे, इतना टाइम तक आप इसीलिए इस पर्सन का वेट कर रहे थे कि आपको ऐसा लगता था ये मजबूर था, ये इसने अपनी खुशी से आपको यहाँ पर चूज नहीं किया, आपको ऐसा लगता रहा कि ये पर्सन मजबूर था इसलिए आपको चूज नहीं कर सका, इसके पास चॉइसेस थी, इसको उस टाइम जो सही लगा इसने वो करा, नहीं मैं इतनी बात आपको क्लियर कर सकती हूँ, आपके पर्सन चाहते तो आपको चूज कर सकते थे, आपके पर्सन ने होशो आवाज में आके ये डिसीजन मेकिंग करी थी, जब यहाँ पर उन्होंने आपको छोड़ा तो आपके पर्सन के पास चॉइस थी, वो बआसानी आपको सेलेक्ट करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते थे आपके साथ, आप यहाँ पर ट्रुथ की खोज में लगे रहे काफी टाइम तक, आपको होप रही इस रिलेशनशिप में आपको ट्रुथ पता चलेगा ऐसी क्या मजबूरी थी जो आप इतने परेशान रहे और ये पर्सन उस चीज परेशानी को समझना नहीं चाह रहा था, मतलब कि उस ट्रुथ को आप खोजते रहे, वो सच पता चले आपके पर्सन ने आपको क्यों छोड़ा, इस आपके ऊपर किसको चूज किया, आपके ऊपर क्या किया, या तो आपके पर्सन की क्या मजबूरी थी, मुझे यहाँ पर लग रहा आपका माइंड ऐसा था, आपने आपने पर्सन को ऐसा लगते आपको ऐसा लगता था कि वो विक्टिम है, ठीक है, उसके साथ खुद गलत हो रहा है, उसने आपको जानबूझ के नहीं छोड़ा, एक सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे उस पर्सन को बेचारे को छोड़ना पड़ा, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कमाने की जिम्मेदारी या फैमिली की जिम्मेदारी या कुछ भी चीज़ें, आपको ऐसा लगता है ये पर्सन, इस पर्सन ने मजबूरन आपको छोड़ा, मजबूरन आपको हर्ट किया, इसका दिल में नहीं था, लेकिन ये ट्रुथ आपको क्लियरली नहीं पता, आप होप में लगे रहे, आप वेट करते रहे कि यहाँ पर रिकंसाइलेशन होगा, एक न्यू बिगनिंग आएगी, एक न्यू स्टार्ट आएगा, जो कि नहीं आया। मेरे व्यूवर को इनके पर्सन ने पास में क्यों हर्ट किया, माइंड इज स्पीड गाइड, मुझे एक ये क्लियर क्लियर मुझे ये देखना है कि मेरे व्यूवर को इनके पर्सन ने क्यों हर्ट किया, प्लीज एंड स्पीक गाइड, स्टैंड योर ग्राउंड, आपके पर्सन यहाँ पर सक्सेसफुल होना चाहते थे, आपके पर्सन को अपनी जिंदगी में सक्सेस चाहिए थी, ठीक है, आपके पर्सन को आपके साथ चलने में ऑब्स्टिकल्स लग रहे थे, चैलेंजेस लग रहे थे, उनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती, ठीक है, यहाँ पर बहुत ज्यादा आपके रिलेशनशिप में आपके पर्सन देख पा रहे थे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, आप लोग के बीच डिस्टेंस भी हो सकता है, आप लोग यहाँ पर कुछ हो सकता है, आप लोग के बीच एज गैप हो सकता है, कोई आप लोग का यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग का फैमिली कल्चर डिफरेंसेस हो सकते हैं, आपके पर्सन को आपकी तरफ आने के लिए ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस लग रहे थे, आपके पर्सन यहाँ पर क्लियर नहीं थे आपकी तरफ आने के लिए, आपके पर्सन ने अपने 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 आप को प्योरिटी दी, अपने सेल्फ को प्योरिटी दी, अपने अपने स्टैंड में आपके पर्सन ने ग्राउंड किया, ना कि आपके पर्सन आपको कुछ प्रोवाइड करते, आपके पर्सन आपके लिए इतनी मेहनत करते, सिर्फ इससे बेहतर वो मेहनत अपने ऊपर कर लेते, उनकी ज़िंदगी सवर जाती, आपके पर्सन को उस वक्त इसलिए लगा ऐसा लगा, मतलब कि आपके पर्सन कुछ सेल्फिश माइंडसेट से आपके पर्सन ने डिसीजन मेकिंग करी, आपके पर्सन बेहद मटेरियलिस्टिक और एक लॉजिकल पर्सन रहे, यहाँ पे है एक्सिलरेटेड मोशन, आपने काफी ज्यादा होप करी है इस कनेक्शन को बनने के लिए, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा मेंटली कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन रही है, क्लैरिटी नहीं रही है, आप चाहे होप करते रहे प्रेयर करते रहे लेकिन आपके पास यहाँ पर कुछ खास आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं बन सकी है, खास यहाँ पर आपको कुछ जैसे एक हिस्सा आपका डिस्टर्ब ही रहा है, आप चाहे इस पर्सन के साथ रहे या इस पर्सन से आप डिस्टेंस पे रहे, ठीक है, स्पिरिचुअल यूनियन यहाँ पे आपको ऐसा लगता था ये आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, स्पिरिचुअल इस रिलेशनशिप में स्पिरिचुअली आप लोग एक साथ आए, इसलिए आपका एक हिस्सा सोचा था कि यहाँ पर काम करना है, और जो हो रहा था प्रैक्टिकली जो आपको नजर आ रहा था इस रिश्ते में होते हुए उसमें कुछ भी आपको नजर नहीं आ रहा था कि यहाँ पर ये रिश्ता बन भी सकता है, ठीक है, यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग करना बहुत मुश्किल है, एक्सीलरेटिव मोशन की आपकी ही एनर्जी है, आपके पर्सन यहाँ पर आपकी तरफ आने के लिए बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस टेम्पटेशन, आपके पर्सन बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो सकते हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पर जैसे आपके पर्सन को चैलेंजेस को फेस नहीं करना आता, आपके पर्सन किसी चैलेंजेस को फेस नहीं करना चाहते, यहाँ पर आप बहुत ज्यादा आपने पेशेंस किया है, यहाँ पर आपने बहुत ज्यादा इंतजार किया है इस कनेक्शन को बनने का, इस कनेक्शन को एक न्यू बिगनिंग करने का, एक न्यू लीप ऑफ फेथ लेने का इस कनेक्शन में, लेकिन यहाँ पर एक टॉक्सिसिटी रही है आपके पर्सन की, सबसे ज्यादा आपके पर्सन सेल्फ फोकस थी, एक सेल्फिश उनका नेचर था, इमोशनल लॉस इस वक्त
पास्ट में आपको इस पर्सन के जाने से इमोशनल लॉस बहुत ज्यादा फील हुआ है, ठीक है, बहुत ज्यादा इमोशनली आप हर्ट हुए हैं, आपका हार्ट चक्रा जो ग्रीन ग्रीन मुझे यहाँ पर नजर आ रहा था जैसे ओपन अप हुआ हुआ है, बहुत ज्यादा आप लव रिसीव करने के लिए भी और लव देने के लिए भी आप दोनों तरीके से मुझे तैयार लग रहे थे पास्ट में, लेकिन आपका सबसे ज्यादा असर जो आप लोग की इस पर्सन के साथ जो कनेक्ट होकर जो जर्नी चली आपके दिल पे असर हुआ उसका, ठीक है, जैसे आपने अपने आप को आप प्रोटेक्ट करते हैं आप लोगों से, आप नहीं जानते कौन आपका दिल तोड़ सकता है, कौन आपके दिल को हर्ट कर सकता है, काफी टाइम तो आप यहाँ पर ट्रुथ की खोज में लगे रहे, फिर उसके बाद आपने इस पर्सन को, जैसे आपने इस पर्सन को देखा कि इस एक सेल्फिश एनर्जी में रहता है, एक अपने सेल्फ फोकस रहता है, अपने अपने सेल्फ को फोकस बना के रखता है, ठीक है, आपके पर्सन की लाइफ में एक सेल्फिश एनर्जी है, अपनी अपने सेल्फ को ज्यादा प्रायोरिटी देना ना कि किसी और को, क्लैरिफाई मूवमेंट चॉइसेस एंड डिसीजन, थ्री ऑफ कप्स एंड यहाँ पे हैंगमैन, थ्री ऑफ कप हैंगमैन, आपके पर्सन आपके अलावा किसी और को डेट कर रहे थे जब उन्होंने आपको हर्ट किया, ऐसा हो सकता है वो मटेरियलिस्टिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पर्सन था, वो बहुत ज़्यादा एक अपनी लाइफ में ग्रोथ उसकी लाइफ में ग्रोथ थी, उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी थी, उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक पीसफुल एनर्जी थी, आपके पर्सन ऐसे कनेक्शन में नहीं जाना चाहते थे जहाँ ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस हो, आपके पर्सन को ऐसा लगा ये पर्सन परफेक्ट है इनके लिए, ये एक बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सन है, ये कॉन्फिडेंट पर्सन है, ये इमोशंस से नहीं, ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल से काम, ये लॉजिकल मेंटेलिटी से काम लेता है, आपके पर्सन ने आपके ऊपर किसी और को चूज़ किया, यहाँ पर चूज मूवमेंट एंड चॉइस डिसीजंस पे है, आपके पर्सन ने किसी और को चूज़ किया, पहले तो वो स्टक रहे इस कनेक्शन में, उनको करना क्या चाहिए, उन्होंने यहाँ पर सोचा कि सब सेल्फिश होते हैं, सब अपने मतलब के तहत रिश्ते बनाते हैं, तो उनको भी यहाँ पर वो सोचना चाहिए जो उनको बेनिफिट दे रहा हो, जो उनको अपनी ज़िंदगी में सुकून दे रहा हो, जो उनको अपनी लाइफ में एक पीसफुल एनर्जी दे रहा हो, जो जहाँ उनको बहुत ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, उन्होंने उस चीज़ को चूज़ करा, उन्होंने अपनी लाइफ में उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में बिगनिंग दी। क्लैरिफाई ट्रुथ, क्लैरिफाई ट्रुथ, आपको बहुत टाइम बाद जाके पता चला इस पर्सन ने अपनी सक्सेस के लिए इस कनेक्शन को एंड करा, हर चीज को खत्म इसने अपनी सक्सेस के लिए करा, बिल्कुल ये पर्सन दो राय में खड़ा हुआ था, आप भी काफी टाइम इधर इंतजार करते रहे इस पर्सन का, वेट करते रहे कि ये जो सिचुएशन एंड हुई है, यहाँ पे अगस्त मंथ से आप लोग का कोई लेना देना हो सकता है, ऐसा हो सकता है अगस्त में आप लोग का ये ब्रेकअप हुआ हो, ये चीज़ें एंड हुई हो, कोई अगस्त मंथ हो सकता है, या तो यहाँ पर कोई जेमिनाई हो सकता है स्ट्रांगली पर्सन, ठीक है, इस पर्सन ने यहाँ पर जो कुछ भी किया अपनी अपनी लाइफ में सक्सेस, अपनी लाइफ में विक्ट्री, अपनी लाइफ में एक अपनी ज़िंदगी में इस पर्सन को जो है ना किसी ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस जो एक डिफरेंसेस थे ना आप लोगों के बीच, ये उसको सॉल्व करने के लिए रेडी नहीं था, मेहनत करने के लिए रेडी नहीं था, और ये आज तक इस कनेक्शन में मेहनत नहीं कर रहा, ठीक है, ये इन्वेस्ट उस वक्त करेगा जब इस जब तो इसको समझ में आएगा, इसको ये वहाँ इन्वेस्ट करता है जहाँ इसकी इन्वेस्टमेंट वापस इसके हाथ में आ जाए, मतलब कि इसको वहाँ से कोई गेन, यहाँ वहाँ से कोई बेनिफिट दिख रहा हो वहाँ इन्वेस्टमेंट करता है, इसको आपके जब ये इसलिए हर्ट किया गया क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था यहाँ पर ये अगर इन्वेस्टमेंट भी कर दे 50-50 चांसेस हैं ये रिश्ता चलेगा या नहीं, इसको फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा था, और जो सामने वाला पर्सन है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लग रहा था, बहुत ज़्यादा एक स्टेबल लग रहा था, बहुत ज़्यादा एक अपनी अथॉरिटी पावर में था, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हुई, इस पर्सन को लॉजिकल लोग पसंद है क्योंकि ये खुद लॉजिकल है, उसके अंदर कुछ था जो उसको अट्रैक्ट कर रहा था, इसने किसी और को चूज़ किया पास्ट में जहाँ इसको अपनी ज़िंदगी की सक्सेस दिख रही थी, इसका ट्रुथ यही है इस कनेक्शन का, ये पर्सन सेल्फिश था, आप जितना भी कह लें इस चाहे आपको जितना लगाओ ये किसी मजबूरी के तहत आपके कनेक्शन को छोड़ रहा है, नहीं ये पर्सन सेल्फिश था, इसकी सेल्फिश एनर्जी आ रही है, ये सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था, सिर्फ ये अपनी सक्सेस अपनी ग्रोथ के बारे में सोच रहा था, अपने कैरियर के बारे में सोच रहा था, अपनी लाइफ के बारे में सोच रहा था, बहुत ज़्यादा है मुझे एक चाहिए, अपनी ज़िंदगी में इस पर्सन को इसको अपनी ज़िंदगी की पड़ी थी, अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लाना चाहता था अपनी ज़िंदगी, अब ये फाइनेंशियली कोई स्ट्रगल कर रहा हो जब इसने आपको छोड़ा हो, तो इसकी ज़िंदगी में फाइनेंशियली भी बैलेंस नहीं था, इसने ऐसे पर्सन को चूज़ करा
जो उसकी लाइफ में इसका पार्टनर भी बन जाए, जो इसको यहाँ पर मेंटली स्टेबिलिटी भी दे, जो इसको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी भी दे, जिसके साथ बहुत ज़्यादा मेहनत भी ना करना पड़े, ठीक है। इसको ऐसा लग रहा था आपके रिश्ते में इसको मेहनत करनी पड़ेगी, इसी वजह से इस कनेक्शन की एक डेथ हो गई। बिल्कुल इसने सिंगल इंडिपेंडेंट पर्सन को चूज़ करा जो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट था, मनी वो पर्सन अर्न कर रहा था अपनी लाइफ में, अपने अपने एक्सपेंसेस खुद संभाल रहा था, ठीक है। इसने उस तरफ, इसने किसी और पर्सन को चूज इसीलिए किया, ठीक है। कर फर्स्ट एंड योर ग्राउंड, ठीक है। आप लोग के बीच डिस्टेंस था, काफ़ी डिस्टेंस रहा है। आप यहाँ पर इस पर्सन की मेमोरीज को होल्ड कर कर इस पर्सन के बारे में सोचते रहे, इसको टेक्स्ट मैसेज करते रहे, हमेशा अपना एक लविंग लेटर या लविंग कोई मैसेज आप इसको सेंड करते रहे। टाइम टू टाइम आप इस पर्सन से कनेक्ट होने के लिए, आपने इस पर्सन से कनेक्शन बनाने के लिए बहुत कोशिश करी, ठीक है। इसको इसका वेट किया, इसकी मेमोरीज को होल्ड कर रहे थे, इसका इंतज़ार कर रहे थे, इसको हमेशा कन्विंस करने की कोशिश करते थे कि ये अब मानेगा, शायद ये अब आपकी लाइफ में वापस आ जाए, ये अब आपको एक्सेप्ट कर ले, आपकी चीज़ें अब इसके साथ बेहतर हो जाए। क्लारिफाई एक्सीलरेटर मोशन, आपके पर्सन ने आपको पास में क्यों हर्ट किया? क्लारिफाई एक्सीलरेटर मोशन, ये पर्सन डिफेंसिव हो गया आपकी तरफ। इस पर्सन को बाय हुक और कुक अपनी अपनी सक्सेस चाहिए थी, अपने आपने अपने लिए कुछ करना था। बहुत ज़्यादा ये कोल्ड और डिटैच हो गया अपनी ज़िंदगी, आपके लिए बहुत ज़्यादा जैसे अब्यूजिव हो गया। आपको अपने ना, आपको अपनी ज़िंदगी में इसके क्या चल रहा है ना ये चाहता था इसको, आपको थर्ड पार्टी का पता चले ना इसको, आपकी किसी ज़िंदगी की खबर रहे। जगह जगह से ब्लॉक करना, हमेशा जब आप कॉल भी करें तो जैसे आपको रिस्पॉन्स ना करना, इस पर्सन की एक एनर्जी बन चुकी थी ये। ये नहीं चाहता था कि इसको पता चले, आपको पता चले कि ये पर्सन क्या कर रहा है अपनी ज़िंदगी में, किस तरफ मूव कर रहा है, इसकी ज़िंदगी में क्या बिगनिंग्स हो रही हैं, क्या ये अचीव कर रहा है, ये नहीं चाहता था ये सब आपको पता चले, ठीक है। ये डिफेंसिव ही इसलिए हुआ था आपको इसकी लाइफ की कोई खबर ना मिले, इसकी लाइफ में कौन है, ये किससे कनेक्ट हो रहा है, ये किसके साथ आगे बढ़ रहा है, ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था। कोल्ड और डिटैच इसलिए हो गया कि कभी भी इससे बिल्कुल अपनी जैसे ये बहुत ज़्यादा एक जो क्वीन ऑफ सोर्ड और किंग ऑफ सोर्ड जो होता है, बहुत ज़्यादा जैसे एक जबान से ही बहुत ज़्यादा कट थ्रोट पर्सन होता है, अपनी जबान से ही जैसे सामने वाले को काट के रख देने वाला इंसान, जो अपनी जबान से ही बहुत कुछ करना जानता हो, ठीक है। जो इसका रोब दबदबा आप से, इसने आपको कंट्रोल तो किया किया आपसे, इसने चाहे दूर होने के बावजूद आपके पर बहुत ज़्यादा जैसे आपको डरा के रखा इस पर्सन ने कि आप इसकी ज़िंदगी की तरफ आए भी ना, आप इसकी ज़िंदगी की तरफ आप इसको सर्च भी ना करें, आप कहीं से इसको स्टॉक भी ना करें, ठीक है। क्लैरिफाई थ्री ऑफ कप्स, आपके पर्सन ने पास में आपको क्यों हर्ट किया? क्लैरिफाई थ्री ऑफ कप्स, ये नहीं चाहता था आपको पता चले थर्ड पार्टी का, बिल्कुल भी नहीं चाहता था इसकी लाइफ में क्या चल रहा है ये सब कुछ पता चले, सब होल्ड बैक करके रखा इसने, आपको नहीं बताया। आप जब जब कनेक्ट हुए आपको इसने ये बात नहीं बताई, ये आपको कंट्रोल कर रहा था, ये आपको एक तरीके से बिल्कुल कंट्रोल करके रखा हुआ था। ये नहीं चाह रहा था आपको किसी भी चीज़ की भनक पड़े, आप जब जब इसके पास आ रहे थे कि ये आपको कुछ नहीं पता चलने देता था, ठीक है। ये आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता चलने देता, इसने आपको बिल्कुल कंट्रोल करके रखा हुआ था और थर्ड पार्टी ने इसको कंट्रोल किया हुआ था, थर्ड पार्टी ने बिल्कुल इसको अपने हाथ में लिया हुआ था, ये वहाँ से हिल भी नहीं सकता था जब ये सब कुछ ये कर रहा था, ठीक है। और थर्ड पार्टी को आपका पता चले ये तो पॉसिबल ही ना, मतलब कि ये चीज़ नामुमकिन सी बन चुकी थी, ये चीज़ कनेक्ट होना इसका जैसे इम्पॉसिबल सा था। ये पर्सन तभी आपको अपनी ज़िंदगी से बार बार कट ऑफ करता था, बार बार आपकी तरफ डिफेंसिव हो जाता था, आपसे इस तरीके से बात करता था जैसे आपने ही कोई गलती करी है, आप ही जैसे इस इन सब चीज़ों के आप, मतलब कि इन सब चीज़ों की वजह ही आप हैं, आप लोग के बीच जो कुछ भी हुआ, जिस तरीके से रिश्ता चल रहा है, इस सब की वजह आप हैं। बिल्कुल इस पर्सन को सक्सेस चाहिए थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा पावर में था, बहुत ज़्यादा अपने आप को ये एक तो ओवर कॉन्फिडेंस, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक, इसको इसकी ईगो को बूस्ट मिल चुका था, इसको ऐसा लग रहा था इसको अब आपकी ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए इसने आपको हर्ट करा, इसलिए इसको जो दिल चाहा इसने वो करता रहा, ठीक है। आप इसके साथ बैलेंस चाहते थे लेकिन इसने आपको कोई बैलेंस नहीं दिया, आप जिसको प्रोवाइड कर रहे थे या आपसे लेकर किसी और को दे रहा था, ठीक
ठीक है, ये किसी और के साथ कनेक्ट हो रहा था, आप इसके साथ कनेक्ट हो रहे थे, आप इसको प्रोवाइड कर रहे थे, और ये आपसे लेकर किसी और को दे रहा था, मतलब कि अपने जो आप इमोशंस, प्यार, लव, केयर, मनी, एक इमोशनल सपोर्ट, जो भी सपोर्ट आप इसको देते, ये वो सब कुछ इन्वेस्टमेंट किसी और की तरफ कर रहा था, आपकी तरफ इसको आना ही नहीं देता था, ये आप कुछ भी इसको दे देते, ठीक है। कर्व है टेम्परेंस, ये कहीं और बैलेंस कर रहा है, ये किसी और रिश्ते में है, ये आपकी लाइफ में इन एंड आउट इसीलिए करता है, ये कभी नहीं चाह रहा था कि आपको पता चले। हाई प्रिस्टेस, हाई प्रिस्टेस के साथ ये बहुत ज़्यादा सिक्रेटिवली उस रिश्ते को निभा रहा था, उस रिश्ते को चला रहा था, और बिल्कुल भी आपसे ये नहीं चाहता था आपकी तरफ कि आपको उस रिश्ते की भनक भी पड़े या उस इंसान का पता भी चले, इसीलिए आपकी लाइफ में एक इन एंड आउट करता था, बार बार आता था, बार बार जाता था, आपकी बात हो गई, फिर 2 महीने 3 महीने बाद जाके बात होती थी, फिर 1 महीना बात हो गई, 1 महीना भी मतलब कि किसी दिन बात हो गई, और फिर आप लोगों के बीच एक लंबा लॉन्ग डिस्टेंस आ गया, ठीक है। ये पर्सन अपनी सक्सेस को चाहता था, बाय हुक और क्रूक इसको चाहिए थी अपनी सक्सेस, मनी, इसको अपनी अपने लिए, इसको जो है ना एक इसने सब कुछ किया जो अपने लिए किया, बहुत ज़्यादा चॉइसेस रही हैं इसके पास, इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चॉइसेस डिवाइन ने इसको प्रोवाइड की, बार बार प्रोवाइड की, ये क्या चूज़ करता है, इसने हमेशा वो चीज़ चूज़ करी जो इसको बेनिफिट दे, जो इसको इसकी ज़िंदगी में सुकून दे, इसने किसी और का नहीं सोचा, इसने सिर्फ अपना सोचा, ये अपनी लाइफ में एक मैनिफेस्टर की तरह बना हुआ था, जो कुछ सोचता था, जो कुछ सोच रहा था, जो कुछ मैनिफेस्ट कर रहा था, वो इसकी लाइफ में आता जा रहा था, क्योंकि उस वक्त इसको एक छूट थी, ये क्या करता है क्या नहीं करता ये वो इसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, और आप यहाँ पर एक बैक स्टेपिंग, एक हर्टिंग एनर्जी में थे, जिसका इसको बिल्कुल भी होश नहीं था, ये क्या कर रहा है इसको बिल्कुल भी खबर नहीं थी, ये आपको ट्रिक कर रहा है, ये आपको आपको मैनिपुलेट कर रहा है, ये बार बार आपके जज्बात के साथ खेल रहा है, इसको इस चीज़ की बिल्कुल फिक्र नहीं थी, ठीक है। इससे इसका कोई लेना देना नहीं था, इसको सक्सेसफुल लाइफ चाहिए थी, इसको लग्जरी चाहिए थी, इसको अपना अपना यहाँ पर रिस्पेक्ट चाहिए थी, इसको इसको अपनी ज़िंदगी में एक लग्जरी ज़िंदगी चाहिए थी, अपने गोल्स को अचीव करना था इसको, ठीक है। नाइन ऑफ सेंस क्लैरिफाई, लवर किसी और के साथ लविंग रिलेशनशिप में था जब इसने आपको छोड़ा, यहाँ पे है 8 ऑफ कप्स, जब ये आपकी आपकी तरफ से डिफेंसिव हुआ हुआ था, आपकी तरफ से जब इसने यहाँ पर इन सब चीज़ों को एंड किया हुआ था, तब ये किसी और के साथ था, ठीक है। इसने किसी आपको किसी और थर्ड पार्टी के लिए आपको यहाँ पर हर्ट किया, जितना भी आपकी लाइफ में चीज़ें चलती रहीं वो थर्ड पार्टी की वजह से चलती रहीं, आप इमोशंस लेके बैठे हुए थे, आप बार बार इसको जाके कनेक्ट करते थे, अपने इमोशंस बताते थे, लेकिन ये पर्सन बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था उन इमोशंस, आपके इमोशनली साइड को सुनने के, आपको अंडरस्टैंड करने के बिल्कुल कंडीशन में नहीं था, इसको चाहिए नहीं थे, आप इसको ऐसा लग रहा था आपकी ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए आपसे बदतमीजी करे, आपको जो दिल चाहे सुना दे, जिसको अपनी ज़िंदगी में रखना हो उसका ख्याल होता है, और जिसको ना रखना हो उसको कुछ भी बोल दो, ठीक है। अच्छे, हम चेक करते हैं उस थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन की लाइफ में क्या हो रहा है इस टाइम, ये पर्सन उस थर्ड पार्टी के साथ क्या कर रहा है, चले थर्ड पार्टी की वजह से क्या, हम देखते हैं आप थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की लाइफ में क्या चल रहा है। कार्मा, वो थर्ड पार्टी कार्मिक थी, देखें आप कार्मा है यहाँ पे, कार्मा का कार्ड है, ये थर्ड पार्टी इस पर्सन की कार्मिक पार्टनर थी, इसीलिए इसकी लाइफ में उसने एंट्री दी, यहाँ पे है मनी, देखिए कार्मा, मनी, यहाँ पे सब कुछ पैसा सब कुछ जुड़ा हुआ है, कार्मा पे ऑफ कर रहा है उस वक्त, ये इस वक्त वहाँ पर, ठीक है, बीच बीच दोराहे में खड़ा हुआ है, इसको नहीं समझ में आ रहा है क्या करे, पूरी सिचुएशन को बहुत सोचे जा रहा है, समझे जा रहा है, कंटिन्यूसली सब कुछ सोच रहा है, आपकी तरफ चीज़ें बेहद आपको हर्ट कर चुका है, बेहद आपको यहाँ पर एक बिट्रेयल की एनर्जी दे चुका है, तो इसको नहीं पता कि अब जिंदगी में बचा क्या है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप भी जाहिर बात है आप एंटी हो चुके होंगे, आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपनी पावर में होंगे, आप बहुत ज़्यादा एक डिफेंसिव एनर्जी में होंगे, तो वहाँ पे एक कार्मा चल रहा है थर्ड पार्टी के साथ, उनके मेरे व्यूवर के पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी के साथ मेरे व्यूवर के पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। आपके पर्सन ने सोचा था थर्ड पार्टी हायर लेवल ऑफ सोलमेट है, इसके साथ मैरिज की जा सकती है, ये एक स्टेबल रिलेशनशिप होगा आपके पर्सन का, जो कार्मिक पर्सन था, कोई कोई लोग इस पर्सन से शादी कर चुके हैं, जिनकी मैरिज हो चुकी है इस कार्मिक पर्सन से, वो बहुत ज़्यादा जैसे खोए खोए रहते हैं, डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं,
उनको ऐसा लगा था ये इनका सोलमेट है, ट्विन है, जिसकी वजह से उनको इतनी अट्रैक्शन होती है, और जिन्होंने नहीं की है वो यहाँ पर इसी चीज़ को सोच रहे हैं कि यहाँ पर उन्होंने कितने ख्वाब जोड़े थे, इन्होंने कितनी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी की ख़राब किया इसके पीछे। और कुछ कुछ लोग यहाँ पर इस पर्सन से मैरिज कर चुके होंगे। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को लगा था ये थर्ड पार्टी कोई सोलमेट है, कोई इनका हायर लेवल ऑफ सोलमेट है, कोई ट्विन है इनका, ठीक है। क्लैरिफाई थर्ड, नहीं थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। फाइव ऑफ कप्स, फीलिंग ऑफ लॉस है, चीज़ें सब कुछ एंड हो चुकी हैं यहाँ पर। स्टेबिलिटी का ड्रीम था, यहाँ पर स्टेबिलिटी की चीज़ें थी। एक इमोशनल पर्सन समझा था आपके पर्सन ने इसको बहुत ज़्यादा, कि जैसे बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, समझदार है, आगे की चीज़ें बहुत अच्छी चलेंगी, हमारी फ्रेंडशिप अच्छी है। ये फीलिंग ऑफ लॉस में गुजर रहे हैं। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। अगर यहाँ पर कमिटमेंट हो चुकी है, मैरिज हो चुकी है, तो बहुत ज़्यादा बर्डनसम सिचुएशन है इस पर्सन के साथ। यही पर्सन क्वीन ऑफ फैंस, इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा बर्डनसम सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक इस पर्सन के ऊपर बर्डन आ चुका है इस कनेक्शन का। और अगर यहाँ पर चीज़ें अभी तक कार्मा पे ऑफ नहीं हुआ है, तो इधर यहाँ पर कोई मनी इशू बना हुआ है, इस पर्सन ने इससे मनी लिया हुआ है, या इस पर्सन ने मिलकर इसके साथ काम किया हुआ है, जो चीज़ें इन लोग के लिए बर्डन बनी हुई है। जो भी इन लोग का कांटेक्ट रह गया वो एक इनके लिए बर्डनसम सिचुएशन की तरह है, ठीक है। कैसा कार्मा है ये, क्लारिफाई कार्मा। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच ये क्या कार्मा है। शेडो साइड, बहुत ज़्यादा डार्क साइड है इन दोनों की, बहुत ज़्यादा डार्क सीक्रेट्स हैं, ठीक है। हार्ट ब्रोकन सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा डार्क साइड है, डार्क सीक्रेट्स हैं यहाँ पर। आपके पर्सन को ऐसा लगा था यहाँ पर एक स्टेबिलिटी आएगी, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट भी इसी वजह से हैं, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लगा था ये आपके पर्सन का फ्यूचर है, ठीक है। आपके पर्सन की इस पर्सन के साथ एक डार्क साइड है, यहाँ पे डार्क सीक्रेट्स हैं इन दोनों के। क्लैरिफाई सिक्स ऑफ कप्स, क्लैरिफाई सिक्स ऑफ कप्स, हर्ट है आपके पर्सन बेहद, जो ये कार्मा पे ऑफ हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी है। आपके पर्सन किसी पेन से गुजर रहे हैं अब, जैसे रियलाइजेशन है, ये ख्वाब इनका टूट गया, इनको ऐसा लग रहा था ये हायर लेवल ऑफ सोलमेट है, ये इनको रियलाइजेशन हो रही है ये पर्सन कोई उनका सोलमेट नहीं है। इनको सोच सोच कर समझ में आ रहा है इनका रिश्ता ख़त्म हो चुका है, ठीक है। एक यहाँ पर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है, एक एंडिंग आ चुकी है, ठीक है। क्लैरिफाई फाइव ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी और मेरे व्यूवर के पर्सन के बीच क्या चल रहा है। और अगर ये मैरिज है, ये पर्सन बेहद डिस्टर्ब है, इस पर्सन के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है। देखने को आपको पर्सन ये इसके साथ नजर आ रहा है, लेकिन ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है इस पर्सन के साथ। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपने कैरियर में फोकस हुए हैं, स्लीपलेस नाइट है इस कनेक्शन में। उन्होंने कितना एफर्ट डाला, कितना वर्क किया, कितना अपना टाइम दिया। स्टार्टिंग में मैंने कहा था आपके पर्सन वहाँ काम करते हैं, वहाँ अपना एफर्ट वर्क पुट ऑन करते हैं जहाँ उनको फ्यूचर नज़र आ रहा हो। वो बस यही सोचे जा रहे हैं उन्होंने कितना अरसा अपनी ज़िंदगी का इस रिश्ते को दिया, कितना काम किया, कितना इस रिलेशनशिप में उन्होंने वर्क पुट ऑन किया, ठीक है। वही सारी बातें सोच रहे हैं। क्लैरिफाई एस ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, एंडिंग आ चुकी है इन लोगों के बीच। जो इन लोगों ने सोचा था ये चीज़ें बिगनिंग की तरफ जाएंगी, सब कुछ एंड हो चुका है। ये पर्सन अब न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है अपनी ज़िंदगी में, कोई स्टेबल न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहा है पर्सन अपनी ज़िंदगी में, कोई न्यू बिगनिंग और न्यू लीप ऑफ फेथ की तरफ जाना चाह रहा है। बिल्कुल आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है अपनी ज़िंदगी में आपके पार्टनर न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा हर्ट रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी रही है अपनी ज़िंदगी में, एक न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन अपनी लाइफ में। अब वो पता नहीं किस तरीके से कर रहे हैं, अगर आप उनको चांस देंगे तो वो आपके साथ करने का ज़रूर सोचेंगे ये न्यू बिगनिंग। कोई स्टेबल यहाँ पर आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में कोई स्टेबल डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी का सोच रहे हैं। आपके लिए क्या सोच रहे हैं ये पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपके, जिन्होंने पास में आपको हर्ट किया। ये रिश्ता तो इनका ख़त्म हो चुका है, लेकिन बस इनको अफसोस ये है इन्होंने अपने इमोशंस, अपना पैसा, अपना मनी, जो आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे थे वही सब इस पर्सन ने इन्वेस्ट किया, और विद टाइम और विद इमोशंस, अपना डेडिकेशन, यहाँ पे ऑनेस्टी, लॉयलिटी, सब कुछ बर्बाद हो गया, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लगा था कि इन फ्यूचर ये रिश्ता इनके लिए करामत रहेगा, इन फ्यूचर ये रिश्ता इनके लिए इनकी ज़िंदगी में एक बेहतरी लाकर खड़ा करेगा। आप और इस पर्सन और थर्ड पार्टी का ज़बरदस्त कार्मा है, ठीक है। ज़बरदस्त यहाँ पे डार्क साइड है, यहाँ इन दोनों के कुछ हिडन सीक्रेट्स हैं जो बहुत ज़्यादा डार्क हैं, जो जो आपके पर्सन अपनी शेडो साइड देख पा रहे हैं इन सब सिचुएशन को देख कर, ठीक है। आपके पर्सन
आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, ये न्यू बिगनिंग देखना चाहूंगी किसके साथ करना चाह रहे हैं, आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं इस पर्सन की, ठीक है। थर्ड पार्टी से तो चले चीजें एंड हो गई, खत्म हो गया, वहां पर हर्टिंग एनर्जी है, वहां पर सब कुछ यहाँ पर बिट्रे का एहसास है, इस इंसान के असली चेहरे खुलने का एहसास है, इस इंसान को समझने का एहसास है आपके पर्सन को, ठीक है। अब न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपके आपके पार्टनर अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करके एक न्यू स्टार्ट लेना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक न्यू बिगनिंग, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा डीप थिंकिंग चल रही है, डीप एनालाइज कर रहे हैं, आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके ही बारे में सोच रहे हैं, आप लोग के बीच भी एक डिस्टेंस है, यहाँ पर आप लोग के बीच फाइव ऑफ पेंटिकल के साथ आप लोग के रास्ते अलग हो चुके हैं, ठीक है। आप लोग के बीच यहाँ पर ड्राइनेस आ चुकी है, जहाँ इमोशंस थे, डीप इमोशंस थे, वहाँ एक ड्राई और एक कोल्ड एनर्जी आ चुकी है, ठीक है। आपके पर्सन आपके साथ ड्रीम कर रहे हैं एक हैप्पी फैमिली का, ठीक है, टेन ऑफ कप्स का, आपके पर्सन आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक कर रहे हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपके लिए थिंकिंग क्या है आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की, क्या सोच रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हुए हैं, आप इस वक्त आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप एक कंप्लीट पर्सन की तरह हैं, ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स की तरह देख रहे हैं, आप एक इमोशनल पर्सन है, लेकिन आपके साथ कनेक्शन में आने नहीं आ पा रहे, घबरा रहे हैं, थोड़ा सा एक डिफेंसिव एनर्जी है, एक एक डिस्टेंस वाली एनर्जी है, क्योंकि आपकी और इनकी बीच की जो पास्ट कार्मिक साइकिल रही है उसकी वजह से ये रिश्ता एक ड्राइनेस का शिकार हो चुका है, इस पर्सन को पता आप इमोशंस फील करते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा लाइट क्लैरिटी है आपके पार्टनर के पास, एक लाइट एनर्जी में आपके पर्सन आपको सोच रहे हैं कि आप एक परफेक्ट पर्सन हो सकते थे, इनके इनके काउंटर पार्ट बन सकते थे, यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स, ये पर्सन आपको सोच रहा है आप इसके काउंटर पार्ट बन सकते थे, लेकिन यहाँ पर इस पर्सन ने मैनिपुलेशन करके एक एंडिंग, एक यहाँ पर डिसेप्शन करके एक एंडिंग कर दी, मेंटली ब्लॉकेजेस है आपके पर्सन को पता है आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, एक मेंटल ब्लॉकेजेस बन चुकी है, अब आपका और इनका ड्रीम सेम हो ये ज़रूरी नहीं है, ये जानता है आप इस पर्सन के बारे में सोचते हैं, लेकिन अब आप अपने इमोशंस इस पर्सन को नहीं बताते, आप अपनी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, आपकी लाइफ में एक लाइट आ रही है, एक न्यू स्टार्ट आ रहा है, ये पर्सन देख रहा है कि अब आप इसको चेज नहीं कर रहे, अब अपनी ज़िंदगी में बिजी हैं, ठीक है, आप अब इस उस तरीके से इस पर्सन को ना चाहते हैं ना इसके पीछे भागते हैं, आपकी लाइफ में इसके अलावा भी कोई और पर्सन हो सकता है, क्योंकि इस पर्सन ने जो आपके साथ किया, सेवन ऑफ सोर्ड के साथ जो इस नेकी बिहेवियर किया वो सब आपके सामने, इस पर्सन ने इस इन सब चीज़ों के जस्टिस नहीं दिया आपको, जो भी आपने यहाँ पर कनेक्ट करा इस पर्सन ने आपको जस्टिस प्रोवाइड नहीं करा, ये पर्सन किसी और को ही चला था जस्टिस देने के लिए, स्लोली बट श्योरली पर्सन आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहा है, ये पर्सन चाहता है ये रिश्ता हील हो जाए, ये पर्सन इस रिश्ते को अब अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहा है, कामोटा की तरफ मूव करना चाह रहा है मून, लेकिन इल्यूजन है, फेयरफुल है, यहाँ पर ये रिश्ता चलेगा या नहीं, आप भी कंफ्यूज हैं, आपको भी नहीं पता ये चलेगा या नहीं, यहाँ पे चीज़ें किस तरीके से डिस्टर्ब रही हैं आपको भी पता है, ये पर्सन आना चाहता है, लेकिन पास्ट में बहुत कुछ नेगेटिव हो चुका है, पास्ट इस रिश्ते को ख़त्म कर चुका है, इस रिश्ते की खुशियों को ख़त्म कर चुका है, इधर यहाँ पर हीलिंग की बहुत ज़्यादा नीड है, आप लोग हीलिंग की तरफ, काम ऑर्डर की तरफ ये पर्सन मूव करना चाहता है, लेकिन ये पर्सन जानता है अब आप इसके लिए आप इसको ट्रस्ट नहीं करेंगे, बर्डन सम सिचुएशन है, ये पर्सन देख रहा है कि आप इसको हर्ट आप ये पर्सन इस पर्सन ने जहाँ पे थर्ड पार्टी क्रिएट करी इसकी वजह से यहाँ पर अब आप इसको ट्रस्ट नहीं करते, बहुत ज़्यादा आप हर्ट हुए हैं, आपको फेयर है इस पर्सन, ये पर्सन आपको अपना वेल विशर नहीं लगता, आपको ऐसा लगता है ये पर्सन तकलीफ देता है आपको, जानबूझकर तकलीफ देता है, आप अपनी तरफ से साइकिल को क्लोज ऑफ कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, ठीक है, ये वही एनर्जी इस पर्सन ने आपको किसी थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन के लिए करा, इस पर्सन को एक सबसे पहले एक सेल्फिश एनर्जी, इस पर्सन ने सबसे बड़ी गलती ये करी, ट्रुथ नहीं बताया, हमेशा आपको डायलेमा में रखा, अगर ये आपके ऊपर ट्रुथ रिवील कर देता, अगर आपको ये डरा धमकाने के बजाय या आप एब्यूजिव होने के बजाय आपके सामने एक ट्रुथ रखता, क्लैरिटी रखता, आप एक अनकंडीशनल लव करने वाले पर्सन थे, आप वॉक अवे करते इस सिचुएशन से, आप इसकी लाइफ में डिस्टर्ब नहीं करते इसको किसी और के साथ, लेकिन ये डिवाइन ने इसको ये क्लैरिटी आपको ना देने दी, क्योंकि वो सिचुएशन एंड हो चुकी है, वहाँ कोई कुछ कार्मा था इसका, जो कार्मा इसकी लाइफ में चलता रहा है वहाँ वहाँ चीज़ें एंड हो चुकी हैं, और आपके साथ इतना बुरे तरीके से ये आपको हर्ट कर चुका है किसी थर्ड पार्टी के लिए, ठीक है, आप अपनी लाइफ में किसी मैरिज को अप्रोच करना चाहते हैं, किसी स्टेबिलिटी को अप्रोच करना चाहते हैं, आपके माइंड अब आप ऐसी किसी साइकिल में नहीं पड़ेंगे, बिल्कुल आपने इस साइकिल को ख़त्म कर दिया अपनी तरफ से, अपनी लाइफ में आपने इस साइकिल को एंड कर दिया, अपनी मैरिज अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को अप्रोच कर रहे हैं, मैरिज को अप्रोच कर रहे हैं, आप एक जगलिंग फेज से बाहर आ चुके हैं,
आप एक यहाँ पर साइलेंट हो चुके हैं, बहुत ज्यादा मिस्टीरियस एनर्जी आपकी हो चुकी है, कम्युनिकेट नहीं कर रहे आप, अगर ये पर्सन नहीं कर रहा आप भी नहीं कर रहे, आप किसी अपने आप को फॉर ग्रांटेड नहीं देने देंगे, आप अपने आप को यहाँ पर जगलिंग, आपके साथ ये पर्सन ऑप्शन के साथ जगल करे आप ऐसा नहीं होने देंगे, आपने उससे पहले इस साइकिल को आप खत्म कर दिया, ठीक है। ये पर्सन हो चुका है सिंगल, अब इसको नीड है आपकी, लेकिन यहाँ पर चीज़ें इतनी डिस्टर्ब हो चुकी हैं, अब आपका इंटरेस्ट खत्म हो चुका है इस कंडीशन में, आप इस तरीके से सोच रहे हैं आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप अपनी तरफ से इस साइकिल को एंड कर चुके हैं, क्योंकि आपने बहुत पेन, आपको ऐसा लग रहा है आप दोबारा पेन ये दोबारा बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप इस पेन को एंड कर चुके हैं, ठीक है। ट्रैप एंड फियर, ये पर्सन इस तरीके से बैठा हुआ है, ट्रैप एंड फियर में बैठा हुआ है, आप जो साइलेंट हुए सर पकड़ के बैठा हुआ है, एक ट्रैप एंड फियर की एनर्जी, वहां पर भी शेडो आया था, इस पर्सन का कोई डार्क शेडो है जिसकी वजह से इसने सब तबाह कर दिया, आपको अपनी जिंदगी में होप है, ये नहीं तो आपको कुछ और मिलेगा, आपने गलत नहीं किया, डिवाइन आपके साथ गलत नहीं करेगा, डिसकंटेंट एंड बोर्डम, बहुत ज्यादा बर्डन सम सिचुएशन में ये पर्सन आपको आगे बढ़ता देख, आपको एक साइलेंट होते देख, अपनी जिंदगी में आप रवा दवा हैं, अपनी जिंदगी में अपनी जिंदगी को आप आगे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। आपको ये पर्सन नहीं चाहिए, अगर इसको नहीं चाहिए तो आपने सोचा आपको भी नहीं चाहिए, ये पर्सन अगर आपके साथ कम्युनिकेट नहीं करना चाहता, अगर आपको यहाँ पर लॉयलिटी ऑनेस्टी नहीं देना चाहता तो आप भी नहीं देना चाहते, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यही तरह रीडिंग को रीडिंग अच्छे लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, थैंक यू।